उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पर चढ़ा फुटबॉल का फीवर, देखा फ्रांस बनाम अर्जेंटीना का फाइनल मुकाबला। मथुरा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा टुकड़े टुकड़े कर बिक रहा देश, कभी रेल तो कभी हवाई अड्डे। हाथरस में सैनिक के अंतिम संस्कार और शहीद स्मारक के लिए भूमि आवंटित कराने की मांग को लेकर सैनिक के शव के वाहन के सामने बैठकर नारेबाजी, ढाई घंटे तक रहा जाम, उसके बाद मिली अंतिम संस्कार के लिए जमीन। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 6 श्रद्धालु बेहोश, गलियों में रही जाम के हालात। फिरोजाबाद में पहचान छुपाकर रह रहे बांग्लादेश के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, पुलिस ने मांगे दस्तावेज तो नहीं मिला कोई दस्तावेज। आजमगढ़ के बरदहत थाना क्षेत्र में गोडहरा गांव के पास पशु तस्कर और पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी पशु तस्कर व सातेर बदमाश गिरफ्तार। हाथरस की आन बान शान, जीण छीण पड़े घंटाघर का जीर्ण उद्धार के बाद महंत और विधायकों ने किया लोकार्पण। महुआ जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्टाफ में हड़कंप, महिला मरीज को ब्लड न मिलने पर तत्काल ब्लड प्रबंध के सीएमएस को दिए निर्देश। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने की अपील, रास्ते में न लें सेल्फी, चप्पल, कीमती सामान और बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार लोगों को मंदिर में न लाएं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कसाई कहने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन, जमकर फूके गए बिलावल भुट्टो के पुतले। कासगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार हजारा पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। और हाथरस जनपद के सिकंदराव थाना क्षेत्र के नौजलपुर गांव के रहने वाले आलोक। गोरखपुर में भूमाफियाओं की संपत्ति पर चलेगा बाबा का बुलडोजर, कुर्की की कार्रवाई शुरू। रामपुर में पठान फिल्म के विरोध में सामने आई महिलाएं, महिलाओं ने लगाए शाहरुख दीप का मुर्दाबाद किनारे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम का वीडियो हुआ वायरल, पूर्व विधायक जफर आलम के कार्यालय पर लगे कब्रिस्तान बचाने के नारे। बाराबंकी के पीरपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर पत्नी ने धारदार हथियार से पति पर किया हमला, मौके पर ही मौत। आगरा के शमशाबाद के कंस टीले पर कच्ची शराब के ठिकाने पर पुलिस की कार्रवाई, एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। इटावा जनपद के नावली गांव में बीटेक छात्र ने पढ़ाई छोड़कर बना अमीर किसान, विदेशों की तकनीक से लैब में टिशू से तैयार किया जा रहा आलू का बीज। फतेहपुर जिले के ललोली थाना क्षेत्र में सलीम ने सोनू बन हिंदू युवती को फंसाया, सूचना पर हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे। अलीगढ़ के इगलास कस्बे में नकल कराने के नाम पर छात्रों से लूटमार के विरोध करने पर छात्र को लाठी डंडों से पीटा, प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर दर्ज। चंदौली में भाजपा विधायक के नेतृत्व में फूका गया पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का पुतला, जूतों से की पिटाई, किया जमकर विरोध। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 188 रनों से दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त। शिकस्त के बाद टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, 2 स्थान की छलांग लगाकर भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा। भारतीय क्रिकेट महिला टीम को चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने करीबी मुकाबले में 7 रनों से दी शिकस्त। भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप को जीता, रचा इतिहास।